दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी के क्वेश्चंस जो कि 1/5/2005 को हुआ था। तो आइए इस क्वेश्चन सीरीज को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था, इसका किस पर प्रमुख महत्व दिया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न हुए असंतुलन को दूर करने हेतु संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना करने का काम था प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित देशों में मुद्रा स्फीति का आकलन किसके आधार पर किसे आधार बनाकर किया गया है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर विकसित देशों में मुद्रा स्फीति का आकलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वैशाली की नगर वधु अम्रपाली किसके शासनकाल में थी? लिच्छवी के शासनकाल में थी। ठीक है दोस्तों, किसके शासनकाल में थी? लिच्छवी के शासनकाल में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में समस्त जनसंख्या के सापेक्ष में हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 17% है, 17%। आर्य समाज की किसकी जड़ तक पहुँचे हैं? तो हरिजन की जड़ तक पहुँचे हैं। ब्राह्मणों के अत्यधिक के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? सत्यशोधक समाज का आंदोलन था। गांधी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया? यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था, चौरी चौरा हत्याकांड हो चुका था जिसमें पुलिस चला दिया गया था, इसलिए असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन की थी? तो डॉक्टर एओ ह्यूम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। केन्या की राजधानी कहाँ है? तो नैरोबी है केन्या की राजधानी। सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में कौन जाना जाता है? इंडोनेशिया जाना जाता है सर्वाधिक द्वीपों वाला देश। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बोधगया में स्थित है मगध विश्वविद्यालय। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? अंतिम से पूर्व एक तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। जैन तीर्थंकर के सबसे अंतिम तीर्थंकर हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है दोस्तों, किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था यह राजतरंगनी रचना में है, कलहन की रचना राजतरंगनी में है जिसमें लिखा गया है अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ था? भद्रबाहु द्वारा हुआ था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्रबाहु द्वारा हुआ था। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? राजा के पास था। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार राजा के पास था। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत को संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था और इस फारसी संस्करण को क्या कहा जाता है? रज्जमनामा कहा जाता है। मतलब महाभारत का फारसी में जो अनुवाद हुआ था उसको रज्जमनामा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी? तो 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। लेपचा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? सिक्किम में निवास करती है। आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी विश्व की सर्वाधिक बड़ी नदी है? तो अमेजन नदी विश्व की सर्वाधिक बड़ी नदी है, अमेजन नदी। किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी? जीवन चक्र समकालीन में या वर्णाश्रम धर्म में। किस स्थान पर भगवान महावीर का मृत्यु हुआ था? पावापुरी में हुआ था। विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? शेखपुरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था?
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सियाचिन का प्रथम बार दौरा किया था। शिक्षा जो कि राज्य का विषय था, संवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में है संशोधन का प्रावधान। भारत में पंचायती राज संस्था अपने कोष मुक्त किससे प्राप्त करते हैं? पंचायती राज संस्थान अपना कोष सरकारी अनुदान से प्राप्त करते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब अस्तित्व में आया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? भारतीय संविधान सभा में भारत की जनता द्वारा, जनता के प्रतिनिधित्व के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? जनता के प्रतिनिधियों द्वारा अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान बनाने में संविधान सभा को कितने समय लगे थे? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं हो सकता है? जीने का अधिकार या जीवन का अधिकार जो है वो आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति के आदेश पर निलंबित किया जा सकता है मौलिक अधिकार को। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को अवधि से पहले ही भंग कर सकता है। राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत में किसी न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? भारत में उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय मतलब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद के मामले को कहाँ संदर्भित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में संदर्भित किया जाता है। उपराष्ट्रपति का पद किसके द्वारा सृजित किया जाता है? संविधान के द्वारा सृजित किया जाता है। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की संतुष्टि पर मंत्रिमंडल के सदस्य को बर्खास्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य के लिए एक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? 25 वर्ष लोकसभा के लिए होनी चाहिए न्यूनतम आयु। वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? समताप मंडल में ओजोन परत मिलती है। भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया? तो गेहूं के फसलों को सर्वाधिक प्रभावित किया हरित क्रांति ने। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने किया? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, USPGA टूर्नामेंट की अहर्ता रखने वाले कौन प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हो गए? जीव मिल्खा सिंह प्रथम गोल्फ खिलाड़ी हो गए। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंत में प्रवेश कर जाती है? तो फीता कृमि त्वचा को पार कर आंत में प्रवेश कर जाती है। जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन भाग को अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? 3 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। जैव रासायनिक ऑक्सीजन की भाग में अधिकतम मात्रा 3 किलोग्राम पर लीटर होनी चाहिए, 3 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, एक सामान्य वयस्क पुरुष में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? तो 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ग्राम खून में होनी चाहिए। आहार नाल सामान्यतः किसका बड़ा होता है? तो
यहाँ पर गलत है दोस्तों। आहार नाल जो होता है वह शाकाहारियों का बड़ा होता है, शाकाहारियों का बड़ा होता है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है गाय का दूध। नेक्स्ट है दोस्तों, बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित कहाँ रखा जा सकता है, तो अच्छी तरह परिरक्षित ठंडे एवं शुष्क अवस्था में रखा जा सकता है। हार्मोन क्यों उपयोगी है, अपापचयी प्रक्रिया हेतु हार्मोन उपयोगी है। ऐसा पद्धति में तापमान का मात्रक क्या है, केल्विन है, तापमान का मात्रक केल्विन है। एक एमयू परमाणुक द्रव्यमान इकाई किसके समतुल्य होता है, तो 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम के समतुल्य होता है। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है क्योंकि ताकि अस्थायित्व में वृद्धि हो सके, अस्थायित्व में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है, यह कौन सा सिद्धांत है, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है। एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है, तो पंखे का दाब क्या होता है, तो कम हो जाता है पंखे का दाब। तीन प्रारंभिक रंग कौन सा है, तो लाल हरा नीला, लाल हरा नीला तीन प्रारंभिक रंग है। हीरा बहुत कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है, तो ग्रेफाइट बहुत नरम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जलीकरण में कौन सा वस्तुतः थोड़ा कम हो जाता है, तो निर्जलीकरण में सोडियम क्लोराइड थोड़ा कम हो जाता है। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 4 से 5 लीटर होती है वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा। पादपों में क्या होता है, तो जो पशुओं में नहीं होता है, पादपों में क्या होता है जो पशुओं में नहीं होता है, सेलुलोज जो कि पादप में होता है मतलब प्लांट में होता है वह पशु में नहीं होता है। वेग त्वरण व तय की गई दूरी में सहसंबंध क्या है, वेग त्वरण एवं तय की गई दूरी में सहसंबंध है v² = u² + 2as, v² = u² + 2as। प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है, प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में, प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में व्यवहार करता है, मतलब यहाँ पर गलत दिया, प्रकाश जो है सो कण और तरंग दोनों के रूप में व्यवहार करता है। प्रकाश के पास ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट होती है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और वेव नेचर ऑफ, मतलब दोनों नेचर होता है लाइट के पास। और 0 डिग्री तापमान का 1 किलोग्राम बर्फ है और 10 डिग्री सेल्सियस का 1 किलोग्राम पानी के साथ जब मिलाया जाता है तो परिमाणिक मात्रा क्या होगा, तो वह 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा या कम नहीं होगा, यह भी गलत दिया, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ है और इसको इसको जल में परिवर्तित होने के लिए इसमें लेटेंट हीट देंगे जो कि 80 केल्विन पर किलोग्राम होता है, और ये 10 डिग्री सेल्सियस का जो पानी होता है वो बहुत कम, इसके पास लेटेंट हीट कम होता है जो कि इसको जल नहीं बना सकता है, इसलिए वह बर्फ़ में ही परिवर्तित रहेगा और इसका मान भी हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है, मतलब कौन सा रंग सर्वाधिक रिफ्रैक्शन होता है, तो यहाँ भी गलत उत्तर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैगनी, बैगनी जो होता है सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है और अति सर्वाधिक अपवर्तित होता है मतलब सर्वाधिक रिफ्रैक्शन, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है वह बैंगनी का होता है और सबसे कम रिफ्रैक्शन जो होता है वह लाल का होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे नेक्स्ट BSSC द्वारा आयोजित प्रश्नों को। धन्यवाद।